ये है भिलाई सेक्टर वन का हॉन्टेड हाउस और इसके पीछे जो है गणेश भगवान की मूर्ति भी स्थापना की है। ये है भिलाई का सेक्टर दो का सबसे बड़ा गणेश जी का पंडाल है। तो भाई साहब यहाँ का पंडाल तो कई खतरा वाला लग रहा है। तो हेलो गाइस, फिर से एक मिनट मानसून का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं भिलाई में और यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं और जितने भी गणेश जी के पंडाल बनाए हुए हैं और सजाए हुए हैं, इस सबको आज की इस वीडियो में दिखलाएंगे, वो भी शॉर्ट में दिखलाएंगे। और शाम को 6 बजे से यहाँ पर स्टार्ट होता है जितने भी पंडाल है, और यहाँ पर हॉन्टेड हाउस भी ये भी शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है। इस सबको रात को दिखलाएंगे, तो अभी शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं कितना सारा यहाँ पर लगा हुआ है गणेश जी के पंडाल। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है सेक्टर वन और यहाँ बना हुआ है हॉन्टेड हाउस। तो इवनिंग के 6 बजे से यहाँ स्टार्ट होगा शाम को 6 बजे से। तो अभी तैयारी चल रही है प्रॉपर, और इधर है हॉन्टेड हाउस और शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो लाइट वगैरह मस्त लगा रहता है, वो मुंडी भी घूमता है जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखी थी। और आइट साइड देखिए दुकान वगैरह ये सब लगाए हुए हैं, और सर्कस वगैरह भी आए हैं इधर सामने साइड, आकाश झूला है ये सब आए हुए हैं इधर पूरा वहाँ तक। अंदर घुसेंगे शाम को मिलेगा आप लोगों का इसका पूरा वीडियो डिटेल से। तो इसके साइड से जो ना गणेश जी की मूर्ति भी स्थापना की है, उधर भी जाके दिखलाएंगे। तो इधर जितना भी एरिया है ना, इधर सर्कस वाला है, इधर देखिए जितना भी एरिया है ना अभी स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो लगा हुआ नहीं है, और शाम को स्टार्ट होगा। और उधर सर्कस वगैरह ये हैं, तो अभी शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे, रात को पूरा डिटेल्स के साथ दिखाएंगे। भाई साहब क्या लग रहा है हॉन्टेड हाउस, नाइट में तो और ही मज़ा आएगा। तो गाइस आप आ गए हम सेक्टर 2 में, तो चलो आगे जाके देखते हैं यहाँ पर किस तरह के पंडाल सजाया हुआ है। तो इधर है बोर्ड मेंशन किया हुआ, हर एक सेक्टर में हर एक अलग अलग में जो ना आकाश झूला है और ब्रेक डांस है ये सब आए हुए हैं। और इधर आगे सजा हुआ है गणेश जी की पंडाल, तो चलो वहीं जाके देखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो इधर है ब्रेक डांस और वहाँ पर है ड्रैगन ट्रेन। तो इधर शाम को लाइट्स वगैरह ये सब लगेंगे, तो आप लोगों को दिखलाएंगे, और हर एक जगह का नाइट में अलग से वीडियोस आएगा। तो अभी डे का है कुछ इस तरह से है, और ये है यहाँ का पंडाल गणेश जी की, गणेश भगवान की जय। तो ये है गणेश भगवान जी की यहाँ की सेक्टर 2 की गणेश भगवान की मूर्ति। तो चलो अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को, इधर भैया लोग बैठे हुए हैं। सेक्टर 2 की गणेश जी की मूर्ति। तो अब चलिए अब चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर, और वहाँ पर भी जाके दिखाते हैं आप लोगों को कितनी बड़ी है पर मूर्ति लगाए हुए हैं। और इधर है भैया जी प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो गाइस अभी आए हैं सेक्टर 2 में, और यहाँ पर सेक्टर 2 की सबसे बड़ी पंडाल है, देख सकते हैं ऊपर। तो चलो आगे जाके देखते हैं, मतलब अंदर जाके दिखाते हैं। ओनली जो है ना अभी का सीन है, नाइट का और मिलेगा व्यू क्योंकि लाइट्स वगैरह सब लगे रहेंगे, तो अभी नहीं लगा है। और इधर लगा हुआ है क्राफ्ट मार्केट यानी क्राफ्ट बाज़ार, और यह है एंट्री गेट जो कि शाम के वक्त खुलेगा कुछ इस तरह से है। तो इधर भी जाके दिखाते हैं। तो भाई साहब ये है, इधर से मतलब इधर से निकलते हैं और प्रवेश द्वार उधर से, चलो दिखाते हैं आगे। यो इधर भी लगा हुआ है मार्केट दुकान, और यहाँ पर भी हर एक जो है पंडाल में सर्कस आए हुए हैं, आकाश झूला है, ब्रेक डांस है ये सब। और ये है इधर से एंट्री गेट अभी का, और फोटोज़ वगैरह ये सब ले रहे हैं। तो चलो अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को कैसा व्यू मिलता है। तो चलो भाई साहब ये है अंदर का व्यू, बहुत बड़ी मूर्ति रखे हैं गाइस, ये है पूरा अंदर तक सजाए हुए हैं, ये है अंदर का सीन। चलो अंदर जाके दिखाते हैं। तो ये है गाइस सेक्टर 2 का सबसे बड़ी पंडाल, सबसे बड़ा पंडाल लगाया हुआ यहाँ पर। तो ये है,
तो इधर से निकलते हैं, हमारा जूता उधर रखा हुआ है, तो नाइट को फिर दिखलाएंगे क्योंकि लाइट्स वगैरह ये सब लगे हैं। इधर देखिए ये जितना भी है सब लाइट से लगे हुए हैं, तो अभी नॉर्मली दिखा ही देते हैं आप लोगों को। ओ भाई साहब, इधर क्राफ्ट मार्केट निकल गए बाहर अपन लोग, तो पूरा लाइट्स चमकेगा गाइस रात को जब रात घुसेंगे इधर से अपन लोग, तो फिलहाल अभी बंद हो रखा है। तो गाइस अब आ गए हैं सेक्टर 10 में और अंदर जाके यहाँ पर भी देखते हैं, अभी तक यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई साहब यहाँ का पंडाल तो कई खतरा वाला लग रहा है, तो चलो जाके दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी तक जो है ना यहाँ पर सजावट कंप्लीट नहीं किया गया है, इधर जो है दुकान वगैरह लगा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा मैदान है यहाँ पर भी, और यहाँ की मूर्ति भी आप लोगों को दिखलाएंगे। तो चलो अंदर जाते हैं, और यहाँ पर दो स्टैंड लाइट्स वगैरह सब लगाए हैं, यहाँ पर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और राइट साइड बहुत सारे जो है लाइट्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पर है स्टेज जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो ये है यहाँ का पंडाल गणेश जी का। केस काल कोंडागांव। तो गाइस ये है यहाँ की मूर्ति,